ज माहौल सरकार आई होप वेयर हाउसिंग समझ में आ रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपको जो डर था या एक ऐसा टेंशन था वेयर हाउसिंग चैप्टर खत्म सर आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हम अगला पॉइंट सेक्शन नंबर सर मैन्यक्चरिंग वेयर हाउस ओके मैन्युफेक्चरिंग वेयर हाउसिंग क्या कहता साहब सबसे पहली बात सेक्शन नंबर जैसा मैंने आपको बताया कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस होते यहाँ पे क्या होता है बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ये लोग क्या करते हैं कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर से परमिशन ले लेते हैं सब परमिशन अंडर सेक्शन सिक्सटी फाइव वो लोग दे सकते हैं एंड सर उन्होंने अगर मैन्युफैक्चर विद इन मैन्युफेक्चर विदिंग की परमिशन दे दी तो क्या होगा पहले सिचुएशन को समझिए फिर हम सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे क्या होगा मालिक ऐसे केस में रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल रबर रबर जैसे आप टायर बनाते हो सर रबर आपने इंपोर्ट किया कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में ले गए जो आपकी फैक्ट्री है आपकी फैक्ट्री का ही आपने एज ए प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस लाइसेंस ले लिया सर वहां क्या करेंगे रबर को ले आए विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कस्टम्स अब वहां पे उसको प्रोसेस करके क्या बनाएंगे आपका फाइनल गुड्स इज टायर टायर तो देख लिया होगा ना आपने सर पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको <laughs> ओके सर देखना मत जान मजा जैसे मैंने बताया वैसे मत देख लेना सर वरना सर पॉइंट मेरा आपसे वरना टायर फूट जाएगा सर ओके अब पॉइंट मेरा आपसे यह कि आपने रबर से टायर मैन्युफैक्चर कर दिया विद इन कस्टमड वेयर टायर क्या हो गया रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर लेंगे विदाउट ऑफ कस्टम और जब उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तब कोई ड्रॉबैक की बात नहीं आएगी कोई रिफंड की बात नहीं आएगी कोई आपको वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करने की जरूरत नहीं रहेगी क्लियर उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर विद इन दी वेउस आई होप यू गोट दी कॉन्सेप्ट ओके okay, पर कमिश्नर और प्र, प्रिंसिपल कमिश्नर के पास पावर है कि वो लाइसेंस देंगे आपको परमिशन देंगे फॉर मैन्युफैक्चर विद इन द वेयर हाउस क्लियर समझे मेरी बात थीम समझ में आया होगा आपको सर अच्छा जरूरी तो है नहीं सर कि हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट ही करें आप या ऐसा भी नहीं होता कि हंड्रेड परसेंट को ही ये लाइसेंस मिलेगा अब ऐसे केस में मान लो अगर आपने कुछ टायर बना के डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिए तो ऐसे केस में कस्टम लगेगा क्लियर कस्टम किस पे लगेगा जितना जितना रबर आपने इंपोर्ट किया था वो रबर कितना काम आया उन आउटपुट गुड्स में जो आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है उतने रबर पे आपको कस्टम पे करना पड़ेगा सर हाँ है ना बच्चों क्लियर सिंपली और अगर मान लो आपने कुछ एक्सपोर्ट किया और कुछ लोकल मार्केट में बेचा तो जो कुछ कुछ कर देना सर <laughs> कुछ भी हो जाएगा सर कुछ भी हो जाएगा मतलब जो कुछ आपने एक्सपोर्ट किया है उतने रबर में तो कोई कस्टम नहीं लगेगा जो आपने टायर डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है उसमें जो रबर काम आया उस पर कस्टम लग जाएगा सर क्लियर अच्छा ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ वेस्ट और स्क्रैप भी अगर प्रोड्यूस हुआ तो उस पर भी टैक्स लगेगा सर वो उसका क्या होगा ट्रीटमेंट वो भी बात कर लेंगे हम पर शायद थी आपको समझ में आ गई चलिए आएगा माहौल के साथ होले होले ये सरकार सेक्शन नंबर सिक्सटी फाइव सेक्शन सिक्सटी फाइव इनेबल्स कंडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशन इन अ कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउस ओके द ओनर ऑफ एनी वेयर हाउस गुड्स मे कैरी ऑन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अदर ऑपरेशन इन रिलेशन टू उस गुड्स इन दी कस्टम मोनेड वेर ओके साफ्टर मैनुफैक्चर द प्रोड्यूस में इधर भी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया और क्लियर फॉर होम कंजम्शन दी ड्यूटीज आर फुल रिमिटेड इफ गुड्स रिजल्टिंग फ्रम सच ऑपरेशन एक्सपोर्टेड अगर आउटपुट गुड्स आपने क्या कर दिया एक्सपोर्ट तो कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता अल्टीमेटली कस्टम चार्ज क्यों टू इक्वालाइज द इम्पोर्ट गुड्स विद डोमेस्टिक गुड्स अब गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में जाए नहीं रही है डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो गई सर ऐसे केस में कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं इंपोर्टिटी इंटरेस्ट फाइन एंड पेनल्टी इफ एनी अच्छा फाइन पेनल्टी आपसे समझना हमेशा लगेगा इम्पोर्टेड तो तो गुड्स तो. मतलब आर क्लियर इन द डोमेस्टिक मार्केट विच आफ्टर एक्स बॉन्डिंग एक्सबोन्ड बिलोफ एंट्री फॉर होम कंजन फाइल करके आपने क्लियर किया तो कस्टम पे करना पड़ेगा फर्दर द क्लियर ऑफ द गुड फॉर डोमेस्टिक

सप्लाई फ्रॉम वेर हाउस इज इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड हुआ तो सी जी एस टी नंबर जीएसटी लगेगा इस पर सेक्शन सी एक्ट और इंटरेस्टेड सप्लाई अगर आपने किया है, है मुंबई में आपने बेचा सर, कहा मध्य प्रदेश में तो सर आई जी एस टी लग जाएगा बेटा क्लियर ध्यान से पढ़ना एट प्रेजेंट मैन्युफर एंड अदर ऑपरेशन इनडेड वेयर हाउस आर अलाउड ओनली इनवेट बॉन्डेड वेयर हाउस एंड नॉट इन पब्लिक बॉन्डेड वेर हाउस क्योंकि तो कोई भी पर्सन गुड्स रख सकता है पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस में ओके फर्दर मैनुफेक्चर इंड अदर ऑपरेशन आर ऑल्सो इन स्पेशल बॉन्ड वेर हाउस इन रेस्पेक्ट ऑफ दी गुड्स विच आर नोटिफाइड टू बी वेयर हाउस इन द स्पेशल वेयर तो स्पेशल वेर हाउस की जो गुड्स नोटिफाइड थी वो अगर आपने स्पेशल वेयर हाउस में रखे उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग परमिशन आपको मिल सकती है कोई दिक्कत नहीं सर पर पब्लिक वेयर हाउस में मैन्युफैक्चरिंग परमिशन नहीं मिलती है ऑब्वियसली अच्छा कोई भी टॉपिक को आप पढ़े तो ऑब्वियस समझ के पड़े लॉजिक समझ के पड़े उसका तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा आइए उट ऑफ इंडिया नो कस्टम ड्यूटी इज चार्जेबल ऑन इंपोर्टेड मटेरियल इंपोर्टेड मटीरियल कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपने गुड्स आप आपने आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर दिया ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट में कुछ गया ही नहीं कोई कस्टम नहीं लगेगा इफ फिनिश गुड्स आर होली क्लियर फॉर होम कंजम्पशन मतलब डोमेस्टिक एरिया में आपने रिमूव कर दिया तो सर ऐसे केस में उन फिनिश गुड्स में जितना रॉ मटेरियल इंपोर्टेड था उस इंपोर्टेड मटेरियल मेटेरियल आपको कस्टम पे करना पड़ेगा एंड जो फिनिश गुड्स आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा सर क्योंकि वो जीएसटी के प्रोविजन में कवर होता है चलिए कस्टम ड्यूटी विल बी ऑन द इंपोर्टेड मटेरियल आपने किया। किया तो जो रबर किया था, जो था, में काम आया, और टायर आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिए तो उस टायर में जितना भी रबर लगा हुआ था सर उस पर आपको कस्टम पे करना पड़ेगा मालिक ओके okay. सर थर्ड कैसे क्या दोनों का मिक्स पॉइंट का मिक्स मतलब कुछ कुछ तो कुछ कुछ कर लेंगे सर सरकार पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स इज एक्सपोर्टेड एंड अदर पार्ट इज पार्टी फॉर होम कंजम्पन एंड टू अप्लाई हम प्रपोशन देख लेंगे कि कितना गुड्स एक्सपोर्ट हुआ कितना गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में काम आया डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर हुआ तो सर जितना एक्सपोर्ट हुआ उसमें कितना रॉ मटेरियल काम आया होगा जितना डोमेस्टिक मार्केट में हुआ, सेल हुआ उसमें कितना रॉ मटेरियल काम आया जो इंपोर्टेड था और उस अकॉर्डिंग जो एक्सपोर्ट हुआ है उसके लिए तो कोई कस्टम नहीं जो डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है उस पर कस्टम लग जाएगा भाई क्लियर आइए अब एक और लास्ट कहानी रिगार्डिंग वेस्ट और रिफ्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशन सब आपने रबर से टायर बनाया सर क्लियर उसमें कुछ वेस्ट स्क्रिप्ट भी प्रोड्यूस होता ना सर तो उस वेस्ट और स्क्रिप्ट का क्या होगा तो सर वहां पर वेस्ट और स्क्रिप्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा सर अगर आपने अगर आपने मैन्युफैक्चर विद इन द वेयर हाउस किया है

प्रोविजन्स यहाँ दिए पर सर मैंने एक बड़ा ही सुंदर सा चार्ट बना रखा है उसको देखेंगे तो मजा आएगा और इजी वे में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको देखिए अरे मालिक माहौल तो है ना सर देखो जिंदगी में खुश रहना इज मोर इम्पोर्टेंट ध्यान रखना और खुश होके पढ़ोगे तो सर भगवान भी आपका साथ देगा ध्यान देना क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट कुछ भी एक काम करो आप दिल से अगर करते हो ना सर तो सर भगवान भी खुश होता है क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ने जो हमको जन्म दिया है ये भी अपने लिए एक ब्लेसिंग है भाई जिंदगी को कभी कोसना नहीं इतनी बढ़िया जिंदगी दी हमको ठीक है परेशानी सबके साथ होती है किसी के साथ कुछ ज़्यादा होती है किसी के साथ कम होती है किसी के साथ कुछ और होती है किसी के साथ कुछ और होती है हमको हमें हमेशा हमारी परेशानी ज़्यादा लगती है दूसरी कम लगती है वो सब होता है पर इन सबको छोड़ के जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ माहौल के साथ पूरी हिम्मत के साथ अपने सर नक्शे कदम पर आगे बढ़ जाता है तो सरकार वो अपने मुकाम को हासिल कर लेता है और भगवान भी उसकी मदद करता है तो सर अगले इंसान आप ही हो सर जिसकी भगवान मदद मतलब करने वाला है सर बी एनर्जेटिक माहौल के साथ ऑपरेशन ड्यूरिंग सर के टाइम प्रोड्यूस अगर वैश्वस्क्रिप भी एक्सपोर्ट कर दिया भाई डोमेस्टिक वैल्यूबल सर।, सर जब डोमेस्टिक मार्केट में कोई गुड्स गया ही नहीं क्या कस्टम की बात आएगी नहीं नो कस्टम डीज पेबल ऑब्वियसली अब सर इफ वैश्वस्क्रिप इज सोल्ड इन या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया क्या होगा

जिफ वेस्टोब वॉज इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली मतलब ऐसा माना जाएगा कि आपने वेस्टोर को ही इंपोर्ट किया ट्रीटमेंट हो होगा उस, हो उस वेस्टोरता हाँ हूं उसके बाद हम आगे बात करेंगे अगर आपने फिनिश गुड्स को डीटी में बेचा तो, तो क्या करने का उसके बाद दो मिनट बात करते हो जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा इंपोर्टेड रबर एंड मैन्यूफेक्चर टायर यूजिंग द रबर ओके सर रेट ऑफ कस्टम ड्यून रबर देखा फिफ्टी परसेंट रेट ऑफ ड्यूटी ऑन टेन परसेंट और रेट ऑफ जी एस टी टायर दे रखा ट्वेल परसेंट ठीक है मालिक केस नंबर वन हम केस नंबर वन ही पढ़ेंगे अभी टायर्स एक्सपोर्टेड ओ हो फाइनल गुड्स आपने क्या कर दिए एक्सपोर्ट तो ऐसे केस में नो ड्यूटी ऑन टायर्स टायर्स पे तो कोई कस्टम है नहीं और उसमें रबर जो काम है उस पर भी कोई कस्टम नहीं लगेगा सर तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ क्लियर या बेटर वर्ड अगर आपको और भी अच्छे से यूज करना है तो ये करिए आप सर ड्यूटी ऑन ऐसे लिखिए रबर यूज इन टायर टायर में जो रबर का हमारा साहब उसमें कोई ड्यूटी नहीं पे करनी है सरकार इफ वेस्टोर स्क्रिप इज सोल्ड इन डी अच्छा अच्छा वेस्टोस्क्रिप डेस्ट्रोय कर दिया ये रहा then no custom duty investor script but if investor script is sold in DTA for फोर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार में भेज दिया देन then, देना then बेटा Rubber पे rate of custom कितना है 15% परसेंट कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने फिश गुड्स एक्सपोर्ट किया था और वेस्टोस्क्रिप डी टीम बेच रहे हो तो पे कस्टम लगेगा एज इफ वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली ऐसा मानेंगे वेस्टोस्क्रेप ही आपने इंपोर्ट किया था और वेस्ट स्क्रेप अगर इंपोर्ट करता तो कस्टम कितनी थी 10% तो 50000 थाउजेंड इंटू टेन आपको कस्टम पे करना पड़ेगा ऑन वेस्ट एंड स्क्रैप भारत माता की जय समझे डन सरकार अब मैं बात करता हूं इफ फिनिश वर सोल्ड इन डीटीए फिनिश गुड्स को अगर आपने डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेचा था तो ऐसे केस में क्या होगा मेरे मालिक सर फिनिश गुड्स पे तो कस्टम लगेगा सॉरी फिनिश गुड्स जो आपने फिनिश्डी में बेचे थे उसमें जो रबर काम आया था उस रबर पे तो कस्टम लगेगा प्लस टायर जो आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचे थे उस टायर पर जीएसटी भी लगेगा इस पर जीएसटी लो अब जो वेस्ट स्क्रैप है कचरा कचरा जो आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है ध्यान सुनना सर पहले वाले केस में क्या होता था जब आपने फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट किया था वैस्टोक्रिप्ट कस्टम इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली पर अगर फिनिश गुड्स आपने डीटीएम बेचे थे उसका वेस्टोर स्क्रिप्ट अगर आप डीटीएम बेच रहे हो तो ऐसे केस में सर उस पे कस्टम लगेगा पर रेट ऑफ कस्टम रबर का लगेगा क्या लिखा है कस्टम ऑन वेस्टर्न स्क्रिप्ट

सेवन uh, लेक मतलब रबर का कर, जो कंटेंट था वो था सात लाख रुपए का है हाँ ना जो टायर में काम आया टायर तो आपने बेच दिया फिफ्टीन लेक में तो सर टायर पे तो लगेगा जीएसटी क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में आपने मैन्युफैक्चर किया और उसको लोकल मार्केट में बेचा आपने तो सप्लाई के स्कोप में आता है साहब जीएसटी जीएसटी ऑन टायर इज द रेट ऑफ गिवन तो वन लेख एटी थाउजेंड क्या लग जाएगा जीएसटी अब साहब उस टायर में जितना रबर काम आया था उसके इंपोर्ट की वैल्यू थी सात लाख रुपए इंपोर्टेड वैल्यू द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स रबर विच आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर दोन लाइक सपोज जो क्वेश्चन दिया है उस रबर पे जो रेट ऑफ कस्टम था कितना था बेटा 15 उतना भी आपको रबर पे कस्टम पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने रबर इंपोर्ट किया था तब तो हमने कोई कस्टम नहीं लिया आपने वेयर हाउस में रखवाया बस आप कस्टम साहब वेयर हाउस में आपने उसे टायर बना दिया और टायर बना के डोमेस्टिक मार्केट में तो हमें मानेंगे ना उतना रबर डोमेस्टिक मार्केट में आ गया तो उतना रबर पे अगर डायरेक्टली क्लियर करते हैं फॉर होम कंजन तभी तो रबर पे कस्टम पे करना होता ना तो उतने रबर पे कस्टम पे कस्टम कर दो क्लियर डन अब सर वेस्ट पर कंटेंट ऑफ दी मटेरियल मान लो कंटेंट था मटेरियल केवल रबर का ये अज्यूम कर लेते क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी दी है पचास हजार रुपए का उस पर रबर पर रेड कस्टमेंट ये लग जाएगा कस्टम्स ऑन वेस्टोस्क्रेप रबर की रेट से लगेगा सर प्रीवियस केस में वैस्टोस्क्रेप की रेट से ही कस्टम लगा था सर है हाँ ना उसमें माना था कि एजिव वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली यहां पर जितना रबर उसमें होगा वैस्टोस्क्रेप में उस रबर पे कस्टम लग जाएगा क्लियर तो रबर का रेट था कितना फिफ्टीन परसेंट वो लगेगा साहब क्लियर आई होप पूरी बात समझ में आ गई क्लियर मैं वापस से कंक्लूड कर लेता हूं साहब अगर आपने फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट किया था तो उस फाइनल गुड्स में जो रो पर कोई कस्टम नहीं है कोई कुछ भी नहीं है पर उसका जो वेस्ट स्क्रैप था वो अगर आपने में बेचा कर दिया बात खत्म में अगर आपने बेच दिया तो उस वेस्ट स्क्रैप कस्टम लगेगा एज इफ वेस्टोर स्क्रैप वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली वेस्ट स्क्रैप की रेट ही लगेगी सर सेकेंड केस

और भी एग्जाम्पल्स है सर ये आईसीआई ने अपनी बुक में जो एग्जाम्पल दिए थे वो मैंने यहाँ पे लिखे सर देखिए ध्यान से लेटेस्ट टेक टेक दी केस ऑफ कटलरी मैनुफेक्चर्ड आउट ऑफ इंपोर्टेड हाई स्पीड कटिंग स्टील स्ट्रिप बेटा होता है ना चाकू वाकू देखेंगे अपने बेटा क्लियर तो हाई स्पीड कटिंग स्टील स्ट्रिप उसको बोलते सर ठीक है सर लोकली मैन्युफैक्चर लोकली प्रोक्योर्ड प्लास्टिक इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग हैंडल्स टू द कटलरी भाई दैट इज नाइफ फोक एटसेट्रा चाकू पकड़ने के लिए भाई प्लास्टिक चाहिए ना वो डोमेस्टिक मार्केट से आप लेते हो जो आगे की आगे का जो स्टील आता है वो आपने इंपोर्ट किया सर इन अ बैच इन अ बैच प्रोसेस 200 केजी इंपोर्टेड स्टील स्ट्रिप एंड 100 केजी प्लास्टिक इज यूज्ड सर एक जो बैच प्रोसेस होता है बेटा उसमें 200 केजी स्टील स्ट्रिप काम आती है और 100 केजी प्लास्टिक काम आता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द कटलरी आइटम्स 400 ग्रोथ नाइफ्स आर मैनुफेक्चर्ड एंड दे आर क्लियर फॉर होम कंजम्शन अच्छा डोमेस्टिक मार्केट में बेचा चाकू बना के आपने सर कत्ल कत्ल नहीं बेटा सब्जी वोजी यू नो सर दिल स्ट्रिप कंटेंट इन अबाउ नाइफ्स इज वन सेवनटी एट के जी अच्छा इन you know. इस जो चाकू बना के आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा उसमें से वन एट सेवेंटी एट के जी ही काम आया स्टिल स्ट्रिप इम्पोर्ट क्या था कितना दो सौ के जी जो काम इशू हुआ था इन चाकू को मैनुफेक्चर करने में ओके okay, मतलब ट्वेंटी टू के जी वेस्ट हुआ इसमें द वेट ऑफ द प्लास्टिक द्लास्टिकाइव के जी हंड्रेड के जी का प्लास्टिक काम आया उसमें सेव के जी काम आ गया 100 के जी आपने प्लास्टिक इश्यू किया उसमें से 85 जी एक्चुअली काम आया 15 के जी क्या था वेस्टेज था चलिए डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया उसका वेस्ट तो कस्टमरों को मतलब नहीं है जो इंपोर्टेड मटेरियल था स्टील स्ट्रिप्स उसका वेस्टेज था ट्वेंटी टू उससे मतलब होगा कस्टमरों को द द वेस्ट इन फॉर्म ऑफ शेविंग एटसेट्रा द टोटल वेट ऑफ द वेस्ट इज थर्टी सेवन के जी अच्छा टोटल वेट दोनों का मिला कितना है ट्वेंटी टू प्लस फिफ्टीन के जी कितना थर्टी सेवन के जी अब टोटल वेट से मतलब ही नहीं सर द स्टिल कंटेंट ऑफ द वेस्ट इज ट्वेंटी टू के जी जो हमने बात कर ली थी सो इम्पोर्टिफ कस्टम्स एट द रेट एप्लीकेबल टू स्टिल स्ट्रिप्स वुड बी कलेक्टेड ऑन दी वेस्ट तो जो वेस्ट जब बेचोगे आप उसमें ट्वेंटी टू के जी जो आपका स्टिल स्ट्रिप था उसमें स्टिल स्ट्रिप के रेट से कस्टम लगेगा क्योंकि आपने डोमेस्टिक मार्केट में गुड्सा थाड्स को आइए द अदर अल्टरनेटिव इज वेर फिनिश्ड गुड्स आर एक्सपोर्टेड अगर आपने फिनिश गुड्स आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट किए थे तो बाईस के जी ट्वेंटी टू के जी जो वेस्ट था स्टील स्ट्रिप का वो अगर डोमेस्टिक मार्केट में आपने बेचा तो उस उसपे कस्टम लगेगा एज इफ वेस्ट वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली और अगर आपने डेस्ट्रोय कर दिया तो नो कस्टम इज पेबल ठीक है सर पढ़ लीजिए टेक द सेम एग्जाम्पल इन दिस केस द मैन्युफैक्चरर हैज टू ही कैन मैन्युफेक्चर द वेस्ट देन ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे ड्यूटी ऑन द स्टील स्ट्रिप वेस्ट वेस्ट पे कोई कस्टम पे नहीं करना है इफ ही

एक और एग्जाम्पल देता है ऐसे ही बुक में जो भी मैंने आप दिया है सो so दट एक एक पॉइंट आपका एक एक वर्ड कवर हो जाए सर एग्जाम्पल नंबर थ्री सरकार लेटेस्ट नाउ टेक एन एग्जाम्पल वेयर द फाइनल प्रोडक्ट आर बोथ एक्सपोर्टेड एंड क्लियर फॉर होम कंजम्पन सर कुछ एक्सपोर्ट किया कुछ लोकल मार्केट में जा तो कुछ कुछ कर लेंगे सर याद आया बेटा वही बात है सर द क्वेश्चन ऑफ एप्रोपरेटिंग द वेस्ट विल हैव टू बी डिसाइडेड फर्स्ट द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इज रबर द एंड प्रोडक्ट इज मोटर व्हीकल टायर टायर बनाया साहब एडिशनल मटेरियल बीडिंग वायर टायर कोड वापशीड केमिकल्स एंड मिनरल ठीक है सर नाम याद करने की जरूरत नहीं कोई टायर की फैक्ट्री अभी नहीं लगानी अपना कस्टम पढ़ना है भाई सर टोटल क्वानिटी ऑफ रबर इश फि हंड्रेड के जी वेट ऑफ बीड वायर यूज वेट ऑफ टायर कोड वापशीड यूज वेट ऑफ केमिकल यूज वेट ऑफ मिनरल ऑयल टोटल वेट ऑफ रॉ रोबर मोटर वन जीरो टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड हंड्रेड पीस बनाया सर। tire, हर टायर का सो टायर आपने बनाए, क्लियर इट मींस टोटल वेट ऑफ हंड्रेड टायर हो गया टोटल टायर का वेट हो गया तो सर टोटल रो मटेरियल काम आया था वन सेवन वन जीरो सबका मिला के ओके okay, मालिक अच्छा रो मटेरियल भली बहुत सारे काम आए पर इंपोर्टेड रो मटेरियल तो केवल रबर था बाकी एडिशनल मटेरियल जो काम आया है वो डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया क्योंकि इंपोर्टेड के लिए तो बोला रबर ही इंपोर्ट किया हमने इम्पोर्ट ओके ठीक अब सिक्सटी के में सारे रॉ मटेरियल होंगे सर तो सर ये हम ये दे रहेगा ना सबका हम लेंगे इसी प्रपोर्शन में आपने क्या किया सारे रोम यूज लिये और इसी प्रपोर्शन में वैसे से आएगा ठीक है देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टायर्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन 25 फाइव के जी ट्वेंटी फाइव पीस आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचे है सेवेंटी फाइव पीसेज नंबर ऑफ टोटल टायर एक्सपोर्ट किया आपने तो सर डोमेस्टिक मार्केट में गया, आपने एक्सपोर्ट किया तो इस में ट्रीटमेंट देखना एक्सपोर्ट किया उसका प्रोपोर्शन सेवेंटी फाइव परसेंट आ आपने एक्सपोर्ट किया मतलब एक्सपोर्ट के, के रिलेटेड हो गया सर तो फोर्टी फाइव के जीज एट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड रबर कंटेंट इन वेस्ट रिलेटेबल टू एक्सपोर्टेड टायर अब एक्सपोर्टेड टायर जो थे रबर जो, जो था, था, का कितना होगा अच्छा, टोटल वेस्टेज तो था ना रॉ मटेरियल्स का उसमें से टायर का प्रपोर्शन निकालो अब टायर था कितना 1500 केजी और टोटल तो तो जो रो मटेरियल इश्यू हुआ वो था 1710 केजी वन जीरोजी आउट ऑफ 45 केजी आप प्रोपोर्शन निकाल लीजिए जो जो टायर जो रबर इशू किया उसका वेट डिवाइड टोटल थर्टी नाइन पॉइंट के जी एट्रीब्यूट हो गया किसके लिए उस रबर के लिए जो आपने इश्यू किया था फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर जो वेस्ट में कवर हुआ है और ये उस ये वो वेस्टेज है जो एट्रीब्यूट हुआ किसके लिए एक्सपोर्ट के लिए बेटा सेम वे सर अच्छा अब आगे बात कर हैं इंपोर्ट ड्यूटी लेवेबल ऑन इंपोर्ट रबर कंटेंट इन वेस्ट कैन बी लिमिटेड इफ़ फोर्टी फाइव के जी ऑफ वेस्ट आर डेस्टोड अगर आपने फोर्टी फाइव जी आपने क्या कर दिया कर दिया तो उतने रबर पर कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे बने हुए आउटपुट गुड्स मतलब वो जिन जिन आउटपुट गुड्स का वेस्टेज है वो आउटपुट गुड्स ने क्या के एक्सपोर्ट अब बाकी बात की किसकी फिफ्टीन के जी जो वेस्टेज था उसकी बात बची बैठा आउट ऑफ सिक्सटी के जी फोर्टी फाइव के जी एट्रीब्यूट होगा किसके लिए एक्सपोर्ट के लिए अब पंद्रह के जी एट्रीब्यूट होगा किसके लिए डोमेस्टिक मार्केट में जो गुड्स बेचा आपने उसके लिए

अगर आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचे तो फिनिश गुड्स में तो सर वो जो रबर काम आया है उस रबर के रेट से कस्टम लगेगा एंड जिस दिन आपने एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन फैल किया क्या होगा उस रेट से लगेगा सर अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया कोई कस्टम है ही नहीं सर अब वेस्ट वेस्टोर स्क्रैप जो होगा ना सर उस पर किस रेट से कस्टम लगेगा हमने बात कर ली अगर फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट हुआ था तो वेस्ट स्क्रैप पर कस्टम लगेगा एज इफ वेस्ट वेस्टोर स्क्रैप वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली और अगर फिनिश गुड्स आपने क्या किया था डोमेस्टिक मार्केट में बेचा था तो वेस्ट West पे किस रेट से लगेगा रेट ऑफ रबर से कस्टम लगेगा सर पर सर किस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी से कस्टम लगेगा तो सर सेक्शन में तीन बातें कही थी अगर आपने डायरेक्टली बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन फाइल किया है तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम फाइल किया या ग्रांट ऑफ एंट्री लेटर तो दैट इज नॉट द केस हमारे लिए सेकंड सर अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस फाइल करी थी तो जिस दिन आपने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन फाइल किया दैट इज द डेट दिलवेंट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस

डाइट आपने उसको क्लियर किया तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी जो होगा उस दिन जो रिलेवेंट डेट होगी उस दिन जो रेट ऑफ ड्यूटी होगी उस रेट से ही कस्टम पे करने का क्लियर माहौल सरकार आइए सेक्शन नंबर सिक्सटी सिक्स पावर टू एग्जेट सर सुनिएगा सिक्स बोलता है कि अगर आपने मैन्युफैक्चर विद इन द वेयर हाउस किया है मैन्युफैक्चर विद इन द वेयर हाउस किया है आउटपुट गुड्स बनाया और आउटपुट गुड्स को बना के अगर आपने डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में लोकल मार्केट में बेच दिया तो ऐसे केस में सर कस्टम लगता है सब जो रबर रबर काम काम आया आया टायर में जितना काम आया उन टायर में जो आपने डोमेस्टिक मार्केट में उस रेट से कस्टम लग जाएगा सब है हाँ ना पर सर ये बोलता है क्या अगर मान लो फिनिश्ड गुड्स ये एग्जांपल देखिएगा इनपुट्स पर रेट ऑफ कस्टम कितना ट्वेंटी रबर पर रेटेंटी फाइव परसेंट फिनिश गुड्स है ट्वेंटी फाइव परसेंट और हम जब डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स को बेचेंगे तो रेट कितना लगेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट तो टू प्रमोट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को अगर लगता है कि यार ये बड़ी नाइन हो रही है क्योंकि रबर की रेट से कस्टम लगने वाला है इनकेस में तो सर ऐसे केस में गवर्नमेंट चाहे तो ये जो गैप है नाइन परसेंट का उसके लिए एक्सिमिशन अलाउ कर सकती है कोई खास बात नहीं है कोई एग्जामिनेशन के लिए बहुत टफ पॉइंट नहीं पर सिंपल सा गवर्नमेंट को पावर दिया कि सर वो चाहे तो ये जो गैप इसको या इसके किसी पार्ट को एग्जाम कर सकती है सर पढ़ लीजिए वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज केड आउट इन वेयर हाउस इफ द रेट ऑफ ड्यूटी ऑन इनपुट्स इंपोर्टेड इज हायर देन द रेट ऑफ ड्यूटी ऑन फिनिश गुड्स विच आर रिमोड इन डी टी टिस्फाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एन डोमेस्टिको उनके पास पावर है कि अगर उनको लगता है रिजनबल है इंपॉर्टेंट मटेरियल फ्रॉम होल और पार्ट ऑफ दस रेट ऑफ ड्यूटी होल और पार्ट ऑफ दी एसेस रेट ऑफ ड्यूटी से सकते नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल क्लियर पावर दिया आइए

जिस वेयरहाउस में गुड्स डिपोजिटेड है वहां से से निकालेंगे और जहां डेस्टिनी पे ले जाना वहां ले जाएंगे सर ओनर ऑफ एनी वेर हाउस गुड्स द परमिशन ऑफ दॉस गुड्स एट दाउस टू विच रिमूवल इज परमिटेड क्लियर ऑफिसर चाहे तो पर, uh, कुछ कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकता है साहब और वो कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको गुड्स वहां ले जाना पड़ेगा बीच में चोरी नहीं होना चाहिए सर वेरी सेंसिटिव पॉइंट देखो

और सर नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड यूनिट ने रास्ते में गड़बड़ कर दी और रिमेनिंग हंड्रेड या वहां पहुंचाए क्लियर तो ऐसे के प्रॉपर कस्टम्स का लॉक होगा इसमें सर और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू ही मैकेजम्स आएगा कहां के साथ ओके सिक्सटी एट रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन आ गया ऐसा बड़ा ही अच्छा पॉइंट है अगर आपको रिमूव करना है वर्ड होम कंजम्पशन पर उससे पहले एक बात और करता हूं जो मैंने आपको अब तक नहीं बोली है

अगर इंपोर्टर को ऐसा लगता है ओनर ऑफ द गुड्स को लगता है कि नहीं मेरे को गुड्स अब नहीं चाहिए आई वॉन्ट टू ट्रांसफर द टाइटल इन फेवर ऑफ कमिशन ऑफ कस्टम तो ही कैन डू सो उसको बोलते हैं ऑफ ऑफ द द टाइटल गुड्स और ऐसे केस में कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है उसको रेमिशन ऑफ ड्यूटी मिल जाएगा एक तरह से उसने गुड्स डोनेट कर दी कस्टम वालों को आए ना बच्चो क्लियर सर सुनना बात ध्यान से सरकार ओनर ऑफ द गुड्स के पास यहां पे सेक्शन नंबर 68 में बोला हुआ है गुड्स के पास ऑप्शन है कि बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन अगर उसको लगता है कि मेरे को गुड्स नहीं चाहिए बाय एनी रीजन मान लो डिफेक्टिव थी गुड्स या एक्सेस क्वांटिटी में थी या गुड्स नोट एज पर स्पेसिफिकेशन थे या किसी भी कारण से मैं तो कह रहा हूँ डिफेक्टिव नहीं थी नहीं की नहीं थी फिर भी उसको लगता नहीं आई डोंट नीड दिस गुड्स नाउ क्लियर डोनेट करना है कर दो साहब ही कैन ट्रांसफर द टाइटल ऑफ ऑफ सच गुड्स टाइटल कर सकता है वो इन फेवर ऑफ कमिशन कस्टम्स ऐसे किस में रेमिशन मिल जाएगा कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है पर हाँ अगर किसी गुड्स के केस में कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है तो ऑफेंडेड गुड्स के लिए कभी भी रेमिशन अलाउ नहीं होता है रेलिंग पेशमेंट अलाउ नहीं होगा क्लियर डन चलिए एक बात और कर लेता मैं आपको हम एक जजमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके सर एक और पढ़ लेते इससे ही रिलेटेड सर डेकोरेटिव लेमिनेट्स लेमिने, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जजमेंट था कर्नाटक हाईकोर्ट का, का साहब सरकार अभी अभी हमने बात करी कि आप रेमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो बिफोर एन ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन इज ना सरकार अब डेकोरेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड केस में क्या हुआ इन्होंने रेमिशन के लिए अप्लाई किया पर सर परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग एक्सपायर होने के बाद सर आपको पता है परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग जो वन ईयर प्लस एक्सटेंशन था वो अगर एक्सपायर हो गया और वहां तक अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया तो जो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयर हाउसिंग होता है उस दिन ये मान लिया जाता है कि सर गुड्स आर डीम्ड टू बी रिमूव फॉर होम कंजम्पशन ना एंड वंस गुड्स आर रिमूव फॉर होम कंजम्पशन उसके बाद सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री का रेमिशन का पावर नहीं रहता है ऑफिसर के पास ऐसे केस में रेमिशन नहीं मिल पाएगा तो सर डेकोरेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या किया जिस दिन परमिटेड पीरियड ऑफ वेर हाउसिंग था वहां तक तो आए नहीं उसके बाद आए और बोलते साहब हमको गुड्स नहीं चाहिए अलाउ कर दो रैलिंग वीर ट्रांसफर टाइटल इन फेवर ऑफ कमिश्नर कस्टम्स मना हो गया कोई रमिशन नहीं मिलेगा सेक्शन ट्वेंटी थ्री का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि अगर परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग के बाद अगर आप आते हो तो जो लास्ट डे ऑफ परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग होता है उस दिन मान लेते हैं कि गुड्स आर डीम टू बी रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन एंड वंस द गुड्स आर रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन सेक्शन नंबर 23 का बेनिफिट नहीं मिलता है रेमिशन नहीं मिलेगा साहब क्लियर और ऐसे केस में सर उनको गुड्स पे कस्टम पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी डिले के उन्होंने रिमूव करने में पेनल्टी फाइन भी पे करने पड़ेंगे सर क्लियर माहौल सरकार ये हो गया रेमेशन के बारे में कहानी तो सर अब समझ में आया परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग कितना इंपॉर्टेंट है तीन जजमेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया सर आइए अब सर अगर आपको रिमूव करना है फॉर होम कंजम्पशन तो ओनर ऑफ द गुड्स आएगा

सर ड्यूटी का अमाउंट निकलेगा ड्यूटी का अमाउंट पे करेंगे विद इंटरेस्ट अगर 90 डेज के बाद है तो बेटा प्लस फाइन पेनल्टी अगर है तो सर अलाउड टू रिमूव चार्ज पास लेके जाएंगे वेयर हाउस ऑपरेटर के पास लाइसेंसी के पास ही रिमूवल फिर आप रिमूव कर पाएंगे सर क्लियर डन अच्छा सर ये इंपॉर्टेंट नोट मैंने वापस से रिपीट किया वैसे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ क्लियर पर मैंने लिखा so है

And the relevant date for rate of exchange will be the date on which into bond bill of entry is presented for warehousing under section number 46 of the customs act at no and note when the bill of entry is presented under section number 68 for clearance from the warehouse for home consumption. Clear done. Further, if goods were sold in the customs warehouse itself, then the price at which goods were sold to the buyer. उस विल बी विल नॉट भी कंसिडर फॉर दर्पज ऑफ वैलुएशन कस्टम्स इन ऑलरेडी री वैल्युए थ्री नाइन चार्ज करने के लिए जो आई जीएसटी और जीएसटी से उसको चार्ज करने के लिए अगर गुड्स को वेराउस में बेचा है तो रिलेवेंट होती है सर उसको भी हम कंसिडर करते हैं है सर क्लियर डन सरकार आई है रिमूवल फॉर एक्सपोर्ट एक्सपोन बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल आप फाइल करेंगे या बाय पोस्ट एक्सपोर्ट किया तो उसमें जो फॉर्म दे रखा है वो फाइल करेंगे आप अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल है एक्सपोर्ट ड्यूटी करने पर अगर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है तो वो पे करेंगे बाकी इंपोर्टेड गुड्स पे तो कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है प्लस फाइन पेनल्टी अगर है तो पे करेंगे गुड्स आर अलाउड टू बी रिमूव विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड गुड्स कोई कस्टम पे, तो पे करने की जरूरत नहीं है एक्सपोर्ट पर अगर कस्टम लगता है वो पे कर देना आप सर द ऑर्डर फॉर ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट मे ऑल्सो भी मेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम बेसिस ऑफ रिस्क इवेल्यूशन थ्रू एप्रोवेट सिलेक्टिविटी क्राइटेरिया ठीक है कस्टम ऑर्डर रिलीज कर दियाऑर्डर पास करेंगे इलेक्ट्रॉनिक अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट करना है और गवर्नमेंट को अगर लगता है कि साहब मतलब एक्सपोर्ट करके स्मगलिंग वापस करेगा और मामला गड़बड़ कर रहा है तो वहां पर गवर्नमेंट मना कर सकती है एक्सपोर्ट के लिए पढ़िए सर इनकेस द गवर्मेंट ऑफ इंडिया इज ऑफ ओपिनियन दैट एक्सपोर्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन लाइकली टू बी स्मगल बैक टू इंडिया इट मे बाई नोटिफिकेशन इन दफिशियल गेज डायरेक्ट सच गुड्स एक्सपोर्टेड को ड्यूटी तो पे नहीं करेगा क्योंकि गुड्स आए वेर हाउस में रखा वापस एक्सपोर्ट कर दिया कोई कस्टम नहीं फिर बाद में स्मगलिंग कर लेगा बाद मेंवर्मेंट तो चाहे तो मना कर सकती है एक्सपोर्ट के लिए या फिर गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है एक्सपोर्ट के लिए सब्जेक्ट टू तो सर्ट एंड कंडीशन में उन गुड्डे अगर आपको एक्सपोर्ट करना तो ये कंडीशन और यह रेस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी सो दट गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाए स्मगलिंग बेग गुड्स नहीं है वापस डन सरकार कोई खास बात नहीं है क्योंकि हमने ओवरवी जो स्टार्टिंग पड़ा था उसी ने बहुत सारी कहानी आपको क्लियर की थी सेक्शन सेवन अलावेंस इन केस ऑफ गुड्स ऑफ वर्ल्ड एंड नेचर गुड्स ऑफ वर्ल्ड नेचर क्या होता है जैसे ऑयल होता ना सर थोड़ा बहुत उड़ गया इवोपरेट हो गया सर वो सब कहानी आ पाती है द गुड्स विच वेरी इन वॉल्यूम ड्यू टू ने गुड्स आर रेफर्ड एज गुड्स ऑफ वर्ल्ड एंड नेचर अब सर मान लो मैंने कुछ ऑयल इंपोर्ट किया सर अब वो इंपोर्ट किया मान लो वन लेख यूनिट्स, वन लेख लीटर मैंने इंपोर्ट किया कस्टम में मैंने इसको स्टोर करवाया अब सर उसका नेचर ये थोड़ा बहुत तो इवोपरेट हो गई ही होगा कुछ भी कर लो आप वन परसेंट से नॉर्मल लॉस मान लो वन परसेंट लॉस हो गया नॉर्मल लॉस अब मुझे बताओ वो वन परसेंट जो नॉर्मल लॉस हुआ है क्या वो डोमेस्टिक मार्केट में गया नहीं क्या इसमें वेयर हाउस ऑपरेटर की गलती है नहीं क्या इंपोर्टर की गलती है नहीं डोमेस्टिक मार्केट में अब कितना क्लियर हो रहा है मान लो नाइन्टी नाइन थाउजेंड लीटर्स डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर हो रहा है तो कितने पे कस्टम लगेगा नाइनटी नाइन पे लगेगा वन थाउजेंड लीटर पे कोई कस्टम नहीं लगेगा ऐसा सेक्शन नंबर सेवेंटी ने अलाउ किया सर क्लियर पढ़िए If the goods of volatile nature are stored in a warehouse and those are found short in quantity at the time of removal and if such shortage is within the normal loss limit then ACDC may remit the duty on such deficiency and hence no person will be liable to pay any due on such goods and at present these are the notified goods. The goods specified is volatile for the purposes of remission of duty under section number 70 in terms of notification number 3 of 2017 of customs. ंडर ये गुड्स नोटिफाई की पर हाँ आई ने नोट दे रखा है दीज एग्जाम्पल आर ओनली फॉर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नोट रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज ओके तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है फिर देख लीजिए एविएशन फ्यूल मोटर स्प्रीड मिनरल टर्पेंटाइन एस्टोन मेथलोन मिथेनोल सर रोनेफ्ता वेपोराइजिंग ऑयल केरोसिन हाई स्पीड डीजल बैचिंग ऑयल डीजल ऑयल फर्नेस ऑयल एंड एथलिन डाइक्लोराइड

एक्सेप्ट ऑन क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पन या फिर एक्सपोर्ट का परमिशन मिला होगा और फॉर रिमूवल टू अनदर वेयर हाउस और एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट सर अगर आपने गड़बड़ की है तो सेक्शन नंबर सेवेंटी टू क्या कहता है गुड्ड इम प्रोपरली रिमोट फ्रॉम दाउस इफ द गुड्स रिमोड इन कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन सेवेंटी वन परमिशन नहीं मिली रिमूव कर दिया इफ दुड आर नॉट रिमोट विद इन दिस्क्राइब टेमिट लिमिट फॉर सेक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटी वन वो वन ईयर

प्लस इंटरेस्ट प्लस फाइन प्लस पेनल्टी इफ एनी इमीजिएटली फ्रॉम दी ओनर ऑफ द गुड्स अगर प्रॉपर जवाब नहीं तो वो पेनल्टी वगैरह मांग सकता है ड्यूटी वगैरह एंड इफ वो पेमेंट नहीं देता है एंड इफ द गुड्स आर अवेलेबल ही मे डिटेन एंड डिस्पोज ऑफ ऑफ सच क्वांटिटी द गुड्स एज ही फिट आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस ऑफ डिमांड टू दी ओनर ऑफ द गुड्स क्लियर रिकवरी कर सकते हैं सर गुड्स बेच के भी क्लियर मालिक कोई खास बात नहीं आइए सर सेक्शन नंबर सेवेंटी कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड सर सारा काम हो गया गुड्स रिमूव हो गई बॉन्ड कैंसिल करो ना भावी? भाई भाई When the whole goods covered under any bond executed under section number 59 have been cleared for home consumption, if you export transferred, transferred to anybody else, transfer to another warehouse, or are otherwise duly accounted for, and all the dues are paid. Sarah dues pay paid, Then proper officer shall cancel the bond and shall on demand deliver it so cancelled to the person who is entitled to receive it. मतलब, कैंसिल करके जो पर्सन ने बोन साइन किया था वो वापस मांगता तो कैंसल बोन वापस प्रॉपर ऑफिसर उस पर्सन को दे देगा सर क्लियर ठीक अच्छा मैंने एक वेर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में गुड्स ट्रांसफर करी है तो अभी भी गुड्स कस्टम बॉन्डेड वेर हाउस में ही है सर बॉन्ड कैंसिल नहीं होगा मेरा मालिक क्लियर ध्यान रखना यहाँ ट्रांसफर का मतलब है मैंने आपको बेच दिया गुड्स तो आप नया बॉन्ड साइन करेंगे जब तक आप नया बॉन्ड साइन नहीं करेंगे तब तक मेरा बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा सर ठीक है लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर सेक्शन नंबर दाउस ए कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ द दाउस गुड्स बेटा ये रहा वो सेक्शन सर सीन्स मैंने आपसे बात करी कस्टम बॉन्ड एंड वेयरहाउस के लिए लाइसेंस से अपॉइंट होंगे जिनको लाइसेंस दिया वो कस्टम बॉन्ड एंड ऑपरेट करेंगे तो उनको भी जिम्मेदारी दी भाई कि अगर किसी फ्रॉड में तुम इन्वॉल्व हो इलीगली गुड्स अगर रिमूव हुआ वेयरहाउस से क्योंकि उस पर कस्टम पे नहीं हुआ वेयर हाउस में जो पड़ा उसके लिए तो हम तुमसे भी ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं ये यहां लिखा है तो तुमको भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन रिकॉर्ड में यू आर ऑल्सो अकाउंटेड अकाउंटेड फॉर गुड्स

Such warehouse is only in the presence of the bond officer Physical control is done sir A warehouse keeper shall maintain Records of the receipt, handling, storing And removal of the goods Into and from the warehouse Each activity or operation in relation to the warehouse goods He shall keep copies of the documents Evidencing receipt of the goods Or removal of the goods Into or from the warehouse And copies of the bond executed record The said records and accounts Are required to be preserved for a minimum period of फाइव इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूव ऑफ द गुड्स फ्रॉम हाउस गुड्स रिमूवल डिजिटल में आग लगी तो सर कुछ अनहोनी होगी तो इसलिए सर उसकी सॉफ्ट कॉपी डिजिटल रखना पड़ेगा किसी और प्रोमाय मेक्स द वेर हाउस कीपर एज अ कस्टोडियन ऑफ दाउस गुड्स

द लाइसेंस ही शेल बी लाइबल टू पे ड्यूटी इंटरेस्ट फाइन एंड पेनल्टी इंपोर्टो तो लाइबल है ही है अगर वो भी रेस्पॉसिबल हो तो वो भी गया दिस वुड बी इन एडिशन टू एनी अदर एक्शन दैट वे बी टेकन अगेंस्ट हम अंडर दिस एक्ट और एनी द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स क्लियर सर तो कोई और एक्शन डिपार्टमेंट लेना होगा वो भी रह सकते सर उसका लाइसेंस कैंसिल करना सब कुछ कर सकते सर वो लोग प्लस ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन वो तो है ही है सर आइए सरकार चैप्टर खत्म होता है अब ये सारे सेक्शन को अगर आपको रिवाइज करना हो तो मैंने एक समरी टाइप याद दे रखा सर तीन तरह के विरास होते हैं पब्लिक प्राइवेट स्पेशल वेयर हाउस फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी एट ए फिफ्टी एट बी कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ऑफ द वेयर हाउस प्रोसीजर वेयर हाउसिंग बॉन्ड सेंड करेगा फिर परमिशन मिलेगी सर उसको क्लियर सर उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है सर ई यू वगैरह के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है सर बाकी के लिए एक साल का है प्लस एक्सटेंशन इफ एनी राइट डूरिंग द वेयर हाउस ओनर के राइट्स है सर पर वेयर हाउस कीपर के राइट्स और कस्टम ऑफिसर राइट डिलीट कर दिया सेक्शन सर फिर सर मैन्युफैक्चर डोरिंग द वेयरहाउसिंग कर सकता है साहब वो अब रिमूव करना है वेयरहाउस में एक वेयरहाउस दूसरे वेयरहाउस सेक्शन नंबर सिक्सटी सेवन होम लिए रिमूव करना सेक्शन नंबर सिक्सटी एट एक्सपोर्ट करना होता तो सेक्शन नंबर सिक्सटी नाइन गुड्स ऑफ वोल्टन नेचर सेक्शन नंबर सेवेंटी परमिशन फॉर रिमूवल अंडर सेक्शन नंबर सेवेंटी वन फेलियर टू सर आपने कुछ कॉन्ट्राविन किया तो सेक्शन सेवेंटी टू एंड सेवेंटी थ्री कैंसिलेशन बॉन्ड एंड सेवेंटी थ्री ए लाइसेंसी को भी रेस्मु, रेस्मु कर दिया सर क्लियर डन इसी के साथ भारत माता की जय आइए कुछ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन और कुछ एडिशनल क्वेश्चन और देख वो भी पढ़ लेते तो सर हर एक चीज हले हले और बहुत शानदार तरीके से इजी वे में बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझ में आ गया होगा वो भी प्रूव हो जाएगा इन इन क्वेश्चन करने के बाद आइए सर रिलेवन डेट द कस्टम्स एक्ट रेट ऑफ व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पन भाई रेट ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करी हाँ है ना बेटा सर जिस दिन आपने देखो वेयर हाउस थे रिमूव किया फॉर होम कंजम्पन कोई फर्क नहीं पड़ता रेट ऑफ एक्सचेंज तो जब इन टू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस फाइल कर रेट सेक्सचेंज डेटर मैंने सीबीआई वाला रेट ऑफ ड्यूटी इनकेस वेन गुड्स आर रिमूव फॉम वेयर हाउस

Decorative Limited का? Decorative Laminates, India Private Limited. Sir, उसके लिए क्वेश्चन आया पढ़ लीजिए क्वेश्चन तो आपको समझ में भी आएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में ये गुड्स के नाम पढ़ पढ के क्या कई बार असर तो वो बहुत भारी हुआ उस पर ज्यादा वजन नहीं देने का सर मेन चीज मेन क्वेश्चन में ध्यान देने का रेजिन इमप्रेग्नेटेड

लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में 2010 में कर्नाटक हाईकोर्ट का, का जजमेंट आया कि अगर आपने लास्ट डे ऑफ परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरिंग तक गुड्स को रिमूव नहीं किया तो ये थे कि लास्ट डे जो था परमिटेड पीरियड ऑफ का उस दिन गुड्स वायलेशन रिमूव फॉर होम कंजन अंडर वायलेशन और सेक्शन नंबर ट्वेंटी में आपको रेमिशन तभी मिलता है इफ गुड्स आर सर आपने अगर गुड्स के लिए रेमिशन के लिए अप्लाई किया रेलिंक्वेशन ऑफ टाइटल के लिए अप्लाई किया बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पन बट वंस गुड्स हैव बीन रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन सेक्शन नंबर ट्वेंटी का बेनिफिट नहीं मिल सकता इसलिए पे सरकार सेक्शन ट्वेंटी थ्री का रिमिशन नहीं मिल पाएगा इनको आइए सर क्वेश्चन नंबर नंबर इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम विपुल सर हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था आगे इंटरेस्ट वाला वही क्वेश्चन है सर बस फिगर्स थोड़ा चेंज है फिर भी वापस कर लेते हैं प्रैक्टिस हो जाएगी सर आपकी विपुल इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स इन दिसंबर 2016 इनटू बॉन्ड देखिए सर मई 2014 में पूछा हुआ अच्छा मॉडिफाई क्यों लिखता हूं सर

डिपोजिट ऑफ द गुड्स इन warehouse हाउस फॉर फोर मंथ्स वॉज on ऑन ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर ठीक है साहब इक्कीस दिसंबर को ऑर्डर मिला फॉर वेर हाउसिंग वीपुल डिपोजिटेड द गुड्स इन देर हाउस ऑन द सेम डे बट डिड नॉट क्लियर द इंपोर्टेड गुड्स इवन आफ्टर द वेर हाउसिंग पीरियड गोट ओवर ऑन ट्वेंटी अप्रिल टू थाउंडीन वेर हाउसिंग पीरियड एक्सपायर हो गया उसने गुड्स को रिमूव नहीं किया क्लियर सरकार नोटिस वॉज इशूड अंडर सेक्शन सेवेंटी टू डिमांड ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी वी क्लियर द गुड्स ऑन ऑफ मई

14 दिसंबर को जब उसने इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की थी उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज 65.2 फाइव पॉइंट से करन, हमने कन्वर्ट कर दिया सर रेट ऑफ ड्यूटी कब का जो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेरा था, जो था ट्वेंट अप्रैल उसने रिमूव कब किया फोर्टीन मे को मतलब नहीं है ट्वेंटी अप्रैल को रेट ऑफ ड्यूटी कितना है टेन परसेंट ये टेन परसेंट लगा देंगे सर अच्छा नो अदर कस्टमडरी इज पेबल एक्सेप्ट बेसिक कस्टमरी तो सर बेसिक कस्टमरी के अलावा कुछ और पेबल नहीं है दिमाग लगाने का नहीं सर तो सर वन लेक टू सिक्स इंटू टेन परसेंट ये रहा सर ये हो गया बेसिक कस्टमरी काउसेंड टू हंड्रेड नो अल टोटल को तो सर नाइनटी डेज नाइन डेज कब से जिस दिन ऑर्डर पास हुआ फॉर डिपोजिट ऑफ द गुड इन दियर हाउस ऑर्डर मिला सर इसको दर्डर परमिटिंग द डिजिट ऑफ द गुड इन दियर हाउस फॉर फोर मंथ वो ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर अब इक्कीस दिसंबर से नब्बे दिन काउंट कर लीजिए सर आप क्लियर तो सर नाइन्टी फर्स्ट डे से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा जिस दिन आपने रिमूव किया फॉर होम कंजम्पन उस दिन तक का क्लियर तो जब हमने पीछे क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा सर बड़ा ये बताता तो हूँ आपको नंबर ऑफ डेज काउंट कर ले सर हम कर लो सर ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड टेन सिक्सटीन से सर नाइन्टी डेज का पूरे होंगे तो दिसंबर के दस दिन इक्कीस गए बाकी रिमेनिंग टेन डेज जनवरी फेब्रवरी 2017 में तो 28 डेज हाँ है ना अब सर 90 डेज काउंट करना आपको सर तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज निकाल दीजिए सर आप सर 10 प्लस थर्टी कितना हुआ 41 41 प्लस 28 69 तो सर 69 प्लस 21 करेंगे तो 90 आ आएगा सर तो सर ये था आपका दिसंबर जनवरी फेबररी मार्च तो ट्वेंटी मार्च को लास्ट डे था नाइन्टी फर्स्ट नाइन्टी डे था तो ट्वेंटी सेकेंड मार्च से आपने जब गुड्स रिमूव किया फोर्टीन ऑफ मई को उस दिन आपने कस्टम पे किया होगा नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेते सर हम ट्वेंटी सेकेंड मार्च भी काउंट होगा सर ट्वेंटी फर्स्ट डे ट्वेंटी फर्स्ट मार्च उस दिन नाइन्टीन डे तो ट्वेंटी फर्स्ट अकाउंट नाइन्टी फर्स्ट अकाउंट हो जाएगा सर तो बाईस मार्च भी काउंट होगा तो कुल मिला के मार्च के दस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए देन अप्रैल के थर्टी डेज देन मई के फोर्टीन डेज अरे ये सी एनो कितना हो गया बेटा

The goods should be found deficient in quantity at the time of delivery from the warehouse, and the deficiency should be on account of natural loss, that is, evaporation, etc., and not due to pilferage or theft. normal loss limit mein wo loss hona Clear? Okay, sir. Elation 9 Enumerate the goods specified as volatile for the purposes of remission duty under the provisions of Customs Act. This question is in November 2017. RTP, जो मैंने पढ़े थे सर पर आईसीआई ने अभी जो आपको चैप्टर इश्यू किया है उसमें साफ लिखा हुआ जस्ट फॉर एग्जांपल आपको याद करने की जरूरत नहीं है तो मेरे हिसाब से इन गुड्स को आप याद नहीं करेंगे चल जाएगा सर ओके okay? ये तो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता था इसलिए मैंने इस बुक में दे रहा आपको आइए सर क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ पढ़ते हम बी लिमिटेड इम्पोर्टेड सुपर केरोसिन ऑइल ओके एंड स्टोर्ड इन इन अ वेयर हाउस ठीक है मालिक An export bill of entry for home consumption was filed, and, duly was, and duty was paid as per the rate prevalent on the date of presentation of such bill of entry. Okay, and the order for clearance for home consumption was passed. Okay, tata bye bye. Ho gaya. On account of highly combustible nature of the, sir, super kerosene oil, the importer made an application to permit the storage of such kerosene oil in the same warehouse until actual clearance for sale or use. Okay.

एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन फाइल कर दिया कस्टम ड्यूटी का अमाउंट निकला वो आपने पे कर दिया पर सर क्या था कि गुड्स जो था ना सर वो ये नो है बेटा ये तो अगर इसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया तो ये उड़ जाएगा खराब हो जाएगा सर तो इसलिए उन्होंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी कस्टम ऑफिसर से साहब इनको गुड्स को थोड़ी दिन वेरहाउस में रहने दो जब तक कि मेरा सेल का ऑर्डर नहीं है तब तक वेर हाउस में रहने दो अलाउ भी हो गया साहब अब जब ये एक्चुअली इसको माल सेल हुआ तब इसने क्या किया सर को रिमूव करना चाहे तो कस्टम ऑफिसर क्या ऑफिस अच्छा उससे पहले रेट ऑफ कस्टम बढ़ गया तो कस्टम ऑफिसर बोलते सर अब आप एक्चुअली अब रिमूव कर रहे हो तो आज जो रेट बढ़ गया है उस रेट से आप कस्टम पे करो पहले जो पे किया वो तो ठीक है डिफरेंस अमाउंट ऑफ कस्टम पे कर दो इज द कस्टम ऑफिसर जस्टिफाइड डिपार्टमेंट सही है या आपने एक्सपोट बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करी थी उस दिन का ही रेट कस्टम रेट ऑफ कस्टम लगेगा सर आंसर शायद आपके दिमाग में आ गया है पढ़ लीजिए यस कंपनी विल सक्सीड क्योंकि उसने एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन फाइल किया एस पर सेक्शन बी उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी पे कर दिया कंसर्न नहीं, नहीं जजमेंट था बिल और लिमिटेड क्लियर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया साहब क्लियर समझे मेरी बात जैसे हमने पढ़ा था सर सेक्शन फोर्टी नाइन वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग वहां पर टेम्परेली ऑफिसर आपको परमिशन दे सकता है फॉर वेर हाउसिंग गुड्स टेम्पर फॉर अ टेम्पररी पीरियड विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर तो ऐसे केस में वेर हाउस वाले प्रोविजन यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होते हैं आप चाहे तो पूरी लैंग्वेज पढ़ लीजिए आंसर की सर देखिए है। पढ़ते हैं पढ़ो यस द कंपनी विल सक्सीड द द फैक्ट्स ऑफ गिवन केस आर सिमिलर टू द केस ऑफ कमिश्न ऑफ कस्टम्स वर्सेज बी को लॉर लिमिटेड टू थाउजेंड एट सर ये क्या ई एल टी का नंबर है वो बुक जो प्रिंट होती है ना सर केस लॉज की नंबर याद जरूरत नहीं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वेर इन द सुप्रम कोर्ट हेल्ड गुड्स इज पेड एंड आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर फॉर होमंडर ऑफिसर इन से गुड्स अलाउड टू बी रिटेन स्टोरेज इन देर हाउस एज परमिटेड कस्टम्स एक्ट आर नॉट ट्रीटेड एज वेरस गुड सेक्शन फोर्टी नाइन मेंउसिंग विदाउट अलाउता है उनको वेर हाउस गुड्स नहीं मानते हैं एंड द इमोट वुड नॉट बिक्वयर टू पे एनी मोर Section number 49 of the Customs Act inter alia also provides that imported goods entered for home consumption, if stored in a public warehouse or in a private warehouse, on an application of the importer and if the same cannot be cleared within the reasonable time, shall not be deemed to be warehouse goods for the purpose of this Act and accordingly the provisions of Chapter 9 of the Customs Act. warehousing section he, wo apply hai. Sir, warehousing without warehousing. Mein, उन गुड्स को कभी भी वेहरास गुड्स की तरह ट्रीटमेंट नहीं करते तो इस केस में आपने गुड्स के लिए क्लियर फॉर होम कंजम्पशन का बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया असेसमेंट हो गया ड्यूटी अमाउंट पे हो गया आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर पास हो गया अब अपने टेम्प्रेरी परमिशन ली ऑफिस से पहले प्लीज इन गुड्स को थोड़े दिन और रख लो तो उनको बोलते हैं वेराउसिंग विदाउट वेरासिंग अंडर सेक्शन फोर्टी नाइन उन गुड्स को वेराउस गुड्स की तरह ट्रीट नहीं करते अब उसके बाद रेट बढ़ भी जाए कंसर्न नहीं है सर आइए इलेक्शन नंबर इलेवन आई होप सर लास्ट क्वेश्चन है माहौल के साथ वट इज द वेर हाउसिंग पीरियड फॉर कैपिटल गुड्स एंड अदर गुड्स इन केस ऑफ ईओयूएसू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यू एंड फॉर वेर हाउसेज वेयर मैनुफैक्चर अदर ऑपरेशन आर परमिटेड अंडर सेक्शन सिक्स एंड ऑल्सो इन अदर केसेस केन वेर हाउसिंग पीरियड भी एक्सटेंडेड तो सर डायरेक्टली सेक्शन नंबर सिक्सटी वन यहाँ पे एजीज लिखा है sir, और कुछ नहीं किया है जो हमने चार्ट फॉर्म में दिया था या टेबल फॉर्म में देखा आंसर है सर सी एफ एल मे एटीन में आया हुआ है सर तो गुड्स इंटेंडेंट फॉर यूज इन यू यू एसेट्रा या जहां पर मैन्यूफेक्चरिंग परमिशन दिए वहां पर कैपिटल गुड्स के लिए टिल दियर क्लियरेंस अदर गुड्स के लिए टिल दियर कंजन और क्लियरेंस यहां पर कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आती क्योंकि नब्बे दिन का टाइम प्रेस्क्राइब नहीं है अनलिमिटेड टाइम यहां पर अलाउ होता है कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आती सर एनी अदर केस वेर हाउसिंग प्रस ईयर प्लस एक्सटेंशन इफ एन अलाउड बाई दर क्लियर एक्सटेंशन कर सकता है सर इसके अंदर उनको लगता है गुड्स ऑफ पैरिशेबल नेचर है खराब हो सकता है तो रिड्यूस भी कर सकते हैं सर वो लोग इंटरेस्ट नाइनटी डेज के बाद में अगर आपने रिमूव किया

क्लियर सर किसी और वेयरहाउस में वो गुड्स नहीं जा सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल्स रहेंगे सर सप्लाई स्टोर्स टू वेस्ट एयरक्राफ्ट फिफ्टी एट ए अट्रैक्ट होता है सर यहाँ पे भी सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप इन कस्टम एरिया इस पे भी सेक्शन एट ए अट्रैक्ट होता है सप्लाई मेंट फॉर गवर्नमेंट यूज ये तो कोई हमने देखा नहीं मतलब दिस गुड्स आर नॉट नोटिफाइड फॉर सेक्शन नंबर एट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द रिलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ हाउस गुड्स बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन सर वेर हाउस गुड्स के लिए रेट ऑफ ड्यूटी है तो सर बिल ऑफ ड्यूटी से मतलब नहीं होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंटू इंडिया से मतलब नहीं होता है इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री से मतलब नहीं होता है रेट ऑफ ड्यूटी के लिए बोला है सर तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इसी के साथ भारत माता की जय माहौल बन गया सरकार हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन आईसीआई के पास्ट एग्जाम में अब तक जो क्वेश्चन है वो भी हमने कवर कर लिए सर आईसीआई ने जो आपको बुक में क्वेश्चन दे रखे थे वो तो भी कवर कर लिए हर एक पॉइंट कवर आई थिंक शायद जो एक कस्टम का वेयर हाउसिंग चैप्टर को लेकर आपको लोड था शायद वो भी क्लियर हो गया और सारे पॉइंट आपके एंड पर क्लियर इसी के साथ भारत माता की जाए ऑल दी बेस्ट पढ़ते रहिए फुल ऑफ एनर्जी के साथ देखिए सर सरकार क्या लिखा है बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल एंड यू कैन डू एनी थिंग आई बिलीव दैट क्लियर आपके पेरेंट्स आपके जो सही में आपके जो सच्चे दोस्त है आपके जो चाहने वाले हैं आपके जो जो आपसे प्यार करते हैं वो सब आपके लिए बहुत प्रे करते हैं और आप में विश्वास रखते हैं यू कैन डू एनी थिंग आई नो वेट ऑल दी बेस्ट पुड योर हंड्रेड परसेंट एनर्जी देखिए सर आप हमारे हाथ में पूरा मेहनत करना बाकी भगवान के हाथ में ऑल दी बेस्ट लगा दीजिए अपनी हंड्रेड परसेंट एनर्जी सर और माहौल बनाते रहिए खुश होकर पढ़िए सर थैंक यू सो मच बाय टेक केयर To all my other novels. Thank you.